देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। स्कूल में मनाया गया क्रिसमस, गरीबों को बांटा गया कंबल। जैसे जैसे 25 दिसंबर आ रहा है, चारों ओर क्रिसमस मनाने की धूम मची है। वहीं बदलते मौसम और ठिठुरने वाली सर्दियों के बीच गंगा प्रसाद इंटर कॉलेज में स्कूली बच्चों ने स्कूल परिसर को लाल व सफेद रंग के गुब्बारों व क्रिसमस ट्री से सजाकर क्रिसमस मनाया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने ईसा मसीह के जीवन पर आधारित लघु नाटक प्रस्तुत की। बच्चों ने सेंटा का रूप धारण कर एक दूसरे को उपहार दिया और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। संस्था के प्रबंधक गणेश कुमार साहू ने प्रभु ईसा मसीह के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रभु ईसा मसीह एक शांति का दूत बनकर इस धरती पर अवतरित हुए। उन्होंने संसार को शांति एवं भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कौसाम्बी के वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण केसरवानी ने स्कूल के सहयोग से गरीब वृद्ध एवं विधवा महिलाओं को ठंड से बचाव के लिए उपहार स्वरूप कंबल और गर्म शाल प्रदान किया। मौके पर समाज सेवी रण विजय निषाद ने प्रभु ईसा मसीह के जीवन पर प्रकाश डाला। क्या प्रोग्राम था आज? प्रोग्राम ये कम्बल वितरण का कार्यक्रम था, क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम था। हमारे बीच मुख्य अतिथि श्री अरुण भाई जी आए थे और उनके द्वारा जो है हमने कम्बल वितरण कराया इस बिहामीपुर ग्राम सभा में। जो गरीब महिलाएं, निराश्रित, विधवा, उनको ये कम्बल दिया गया। जो सबसे गरीब निचले तबके की थी उनको दिया गया, इसी उपलक्ष में कि ठंडी का मौसम है, क्योंकि गरीब महिलाएं हैं। पब्लिक स्कूल राहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की निराश्रित विधवा महिलाओं को कंबल वितरण किया गया। क्योंकि ठंड के कारण कोई हमारी माता बहने, वृद्ध जन, कोई हताहत न हो, इसलिए इसके उपलक्ष्य में आज गरीब महिलाओं को कंबल वितरण किया गया। और आगे भी हम लोगों ने ये कहा कि कम से कम गरीब महिलाओं को सेवा करोगे तो आप लोगों को शांति भी मिलेगी। आप देख रहे हैं समाचार।